हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस पार्ट थ्री ऑफ चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग इन दिस वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस बुककीपिंग अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी लेट अस डिस्कस बुककीपिंग व्हाट इज बुककीपिंग एंड अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी फर्स्ट ऑफ ऑल बुक कीपिंग बुक कीपिंग क्या है एक पार्ट है अकाउंटिंग का ये क्या है टाइम हम क्या करते हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को सेम ही कंसिडर करते हैं बट क्या है इन दोनों में क्या है डिफरेंस है ठीक है सो so, बुक कीपिंग क्या है एक पार्ट है अकाउंटिंग का जो बुक कीपिंग है वो क्या एक नैरो टर्म है और अकाउंटिंग क्या एक वाइडर कंसेप्ट है ठीक है सो बुक कीपिंग क्या है बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन अ अस्टेमैटिक मैनर जो बुक कीपिंग है वो क्या एक आर्ट है जिसमें हम क्या करते हैं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं एक सिस्टेमेटिक मैनर में ठीक है सो so, इसमें हम किन किन एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करते हैं इसमें हम क्या क्या इन्वॉल्व करते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई द बिजनेस ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स ओके फर्स्ट ऑफ ऑल वी हम क्या करते हैं आइडेंटिफाई करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन और इवेंट को देन हम क्या करते हैं मेजर करते हैं मेजर द ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी देन हम क्या करते हैं रिकॉर्डिंग करते हैं रिकॉर्डिंग हम किस में करते हैं बुक्स ऑफ uh, uh, जो ट्रांजेक्शन उनको रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड कहाँ करते हैं जर्नल में जर्नल क्या हमारी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री ओके देन रिकॉर्डिंग के बाद हम उसको क्या करते हैं क्लासीफाई करते हैं क्लासीफाई मीन्स पोस्टिंग इन टू लेजर ओके सो बुक कीपिंग क्या है सबसे पहले हम इसको इसमें क्या करते हैं फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं फिर उसको मेजर करते हैं फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं देन उसको क्लासीफाई करते हैं बुक कीपिंग क्या है? एक नैरो टर्म है जो अकाउंटिंग है अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं ये सारे फंक्शन तो करते ही आइडेंटिफाई भी करते हैं ट्रांजेक्शन को मेजर भी करते हैं रिकॉर्ड भी करते हैं क्लासीफाई भी करते हैं उसके बाद क्या करते हैं उसको समराइज करते हैं इसके बाद कौन सा पॉइंट आता है हमारे पास समराइज समराइज करते हैं और क्या करते हैं कॉम्युनिकेट करते हैं एनालाइज करते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं एनालाइज करते हैं इंटरप्रेट करते हैं एनालाइज एंड इंटरप्रेट ठीक है उसके बाद क्या करते हैं हम कॉम्युनिकेट करते हैं ठीक है ये स्टेप्स इसमें क्या है और इन्वॉल्व होते हैं अकाउंटिंग में सो so अकाउंटिंग एक वाइडर कंसेप्ट है जो बुक कीपिंग है वो क्या है एक नैरो है अकाउंटिंग कब स्टार्ट होती है जब हमारी बुक कीपिंग का एंड होता है तब हमारी अकाउंटिंग क्या होती है स्टार्ट होती है ओके okay? लेटस डिस्कस अकाउंटेंसी अकाउंटेंसी क्या है एक सिस्टमैटिक नॉलेज है किसकी अकाउंटिंग की ठीक है इसमें हम क्या करते हैं सिस्टमैटिक तरीके नॉलेज हम गेन करते हैं अकाउंटिंग की कि कैसे हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है कैसे उसको एनालाइज करना है कैसे उसको आगे कम्युनिकेट करना है ओके okay? इसमें हम सारे कॉन्सेप्ट को कंसिडर करते हैं ठीक है सो so, ये क्या है एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो हमें बताती है कि कैसे हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है नाउ वी विल डिस्कस डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग अब हमारे पास क्या है डिफरेंस है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में फर्स्ट पॉइंट ही स्कोप जो बुक कीपिंग है उसका स्कोप क्या है नैरो और जो अकाउंटिंग है इसका स्कोप क्या है वाइडर वाइड जो सेकेंड स्टेप है वो क्या है स्टेज जो बुक कीपिंग है वो क्या है प्राइमरी स्टेज है क्योंकि ये क्या Base है बेस है अकाउंटिंग का क्या Base है बेस है इसलिए इसको क्या कंसिडर करा गया प्राइमरी स्टेज और जो अकाउंटिंग है वो क्या है सेकेंडरी स्टेज ये लाइन हमने पहले भी पढ़ी है ना अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग एंड जहां बुक कीपिंग का खत्म एंड uh, होता है वहां पे अकाउंटिंग हमारी क्या होती है स्टार्ट होती है इसलिए ये क्या है सेकेंडरी स्टेज है और जो बुक कीपिंग है वो क्या है प्राइमरी स्टेज है आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट ऑब्जेक्टिव जो बुक कीपिंग है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है जो मतलब ट्रांजेक्शन uh, को क्या करना आइडेंटिफाई करना ठीक है ट्रांजेक्शन को क्या करना आइडेंटिफाई करना ठीक है और जो अकाउंटिंग है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है आइडेंटिफाई करना एनालाइज करना और कॉम्युनिकेट करना ठीक है ये सारे स्टेप्स सारे स्टेप्स इसमें हम कंसिडर करते हैं आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ जॉब जो बुक कीपिंग है उसका जो नेचर ऑफ जॉब है वो क्या है रूटीन ठीक है ये क्या रूटीन फंक्शन है यानी कि रूटीन डेली बेसिस पे परफॉर्म किया जाता है बुक कीपिंग वाला फंक्शन और ये क्या और दाँग 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 है एनालिटिक और डायनामिक है ठीक है इसको रूटीन बेसिस पे परफॉर्म नहीं किया जाता नेक्स्ट पॉइंट इज परफॉर्मेंस जो बुक कीपिंग है वो फंक्शन कौन परफॉर्म करता है जूनियर स्टाफ जो बुक कीपिंग वाला फंक्शन है वो कौन परफॉर्म करता है जूनियर स्टाफ जो अकाउंटिंग है उसके उसके लिए हमें क्या चाहिए नॉलेज और स्किल ज़्यादा ज़रूरत तो होती है तो इसलिए इसको कौन परफॉर्म करता है सीनियर स्टाफ नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज स्पेशल स्किल्स जो बुक कीपिंग है उसके लिए नो नीड ऑफ स्पेशल स्किल्स ठीक है जो, जो ये फंक्शन है वो क्या मैकेनिकल है नेचर में इसलिए इसके अंदर, इसमें हमें स्पेशल स्किल्स और नॉलेज की ज्यादा जरूरत नहीं होती ठीक है और जो अकाउंटिंग है उसके लिए हमें क्या स्पेशलाइज नॉलेज और स्किल्स की जरूरत होती है इसलिए इसके इसके लिए हमें स्पेशल स्किल की ज्यादा जरूरत होती है और नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी हमारे पास क्या अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में एक सिंपल सा डिफरेंस है कि अकाउंटेंसी क्या है बॉडी ऑफ नॉलेज है बॉडी ऑफ नॉलेज और जो अकाउंटिंग है वो क्या एक प्रोसेस है प्रोसेस और एक्शन। इट मींस कि जो अकाउंटेंसी है वो क्या बॉडी ऑफ नॉलेज है और अकाउंटिंग क्या एक प्रोसेस है और एक्शन है इसमें क्या करते हैं अकाउंटेंसी क्या हमें नॉलेज प्रोवाइड करती है कि कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है कैसे उसको रिकॉर्ड करना है कैसे उसको एनालाइज करना है कैसे उसको आगे कॉम्युनिकेट करना है ये सारे प्रोसेस हमें कौन बता ये सारे स्टेप्स की नॉलेज हमें कहां से मिलती है अकाउंटेंसी की हेल्प से मिलती है और अकाउंटिंग क्या है अकाउंटिंग क्या है एक प्रोसेस है वो हम क्या करते हैं अकाउंटेंसी से हम नॉलेज गेन करके आगे अप्लाई किस में करते हैं अकाउंटिंग में करते हैं सो so, यही इसमें क्या है डिफरेंस है अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग क्या एक सर्विस एक्टिविटी है जो इसका फंक्शन है वो क्या है क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना यूजर्स को ठीक है फॉर टेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन और मैनेजरियल डिसीजन ठीक है एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम अकाउंटिंग क्या है अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं जो ट्रांजेक्शन है उनको क्या करते हैं आइडेंटिफाई करते हैं रिकॉर्ड करते हैं क्लासिफाई करते हैं समराइज करते हैं और कॉम्युनिकेट करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को किसको किसको कम्युनिकेट करते हैं यूजर्स को ठीक है फॉर टेकिंग इफेक्टिव मैनेजरियल डिसीजन ठीक है इसमें हम क्या करते हैं जो अकाउंटिंग है अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं है? ट्रांजेक्शन है? को क्या करते हैं आइडेंटिफाई करते हैं और जो अकाउंटिंग फंक्शन है वो स्टार्ट कहां से होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से हमारा जो अकाउंटिंग फंक्शन है वो स्टार्ट होता है और एंड पे होता है जब हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हो जाती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम क्या कंसिडर करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम क्या कंसिडर करते हैं इसमें हमारी टू स्टेटमेंट्स आ जाती हैं एक है फर्स्ट है इनकम स्टेटमेंट और सेकंड वन इज पोजीशन स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट में हम क्या कंसीडर करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जो पोजीशन स्टेटमेंट पोजीशन स्टेटमेंट में हम क्या कंसीडर करते हैं बैलेंस शीट

So, हम क्या कह सकते हैं कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या है इसमें हम क्या कंसिडर करते हैं कि जो अकाउंटिंग फंक्शन है वो तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन से स्टार्ट होता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एंड होता है बट ये सिंपली यही नहीं है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक इसको एंड कर देंगे जब तक हम क्या करेंगे ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे रिकॉर्ड करेंगे क्लासीफाई करेंगे समराइज करेंगे जब तक हम उसको आगे कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या है वेस्ट है ठीक है, सो so, जो कम्युनिकेशन वाला पॉइंट है वो क्या इसमें मस्ट है कॉम्युनिकेशन से ही हमें क्या पता चलती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पता चलती है नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के टाइप्स हम थ्री टाइप्स को कंसिडर करते हैं इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस सेकेंड वन इज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजिशन थर्ड वन इज इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लोज फर्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस ठीक है इसमें हम क्या है कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो किस किस चीज से रिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड जो प्रॉफिट और लॉस हमने अगर कैलकुलेट करना है तो हमें कहां से पता चलता है बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सो जो हमने अगर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड लेनी है तो हमें कहां से पता चलेगी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से सेकेंड पॉइंट इज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजिशन अगर अगर हमने अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजिशन को जानना है तो हम क्या करेंगे वो हमें जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम फाइनेंशियल पोजिशन कहां से चेकआउट करेंगे बाय प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट जो बैलेंस शीट है वो साल के एंड में हम प्रिपेयर करते हैं और जो हमें क्या बताती है हमारी बिजनेस की ट्रू एंड फेयर पोजिशन के बारे में बताती है सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लोज कैश फ्लोज मींस इसमें हम क्या करते हैं कैश इनफ्लो कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज को कंसीडर करते हैं ठीक है कैश इनफ्लोज मीन्स हमारे बिजनेस के अंदर कितना कैश आ रहा है ठीक है और कैश आउटफ्लो आउटफ्लोज मीन्स हमारे बिजनेस से कितना कैश बाहर जा रहा है ठीक है तो हम क्या है हमारे जो बिजनेस की जो इंफॉर्मेशन हमें कैश फ्लोज के बारे में इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमें कहां से पता चलती है बाई प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट्स जो कैश आउटफ्लो आउटफ्लो है और इनफ्लो है ये हमें हम इन, इनको किस में रिकॉर्ड करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट Our next topic is qualitative characteristics of accounting information. Qualitative characteristics are helpful in providing accounting information to the user in a better way. So, the first qualitative feature of accounting information is reliability, second one is relevance. ड वन इज अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड द लास्ट वन इज कंपेरेबिलिटी सो आ फर्स्ट पॉइंट इज रिलायबिलिटी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो क्या होनी चाहिए रिलायबल होनी चाहिए फ्री फ्रॉम बायसनेस होनी चाहिए ठीक है सो और नेक्स्ट पॉइंट इज रेलिवेंस जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो क्या होनी चाहिए रेलिवेंट होनी चाहिए जो क्या करती हो यूजर्स की नीड्स को फुलफिल करती हो इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग के लिए ओके सो और नेक्स्ट पॉइंट इज अंडरस्टैंडेबिलिटी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो क्या होनी चाहिए मतलब इस तरीके से हम प्रेजेंट कर सके कि जो मैनेजमेंट है वो अच्छे से डिसीजन मेकिंग कर सके ऑन द बेसिस ऑफ दिस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दैट वी शो इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओके सो और लास्ट पॉइंट इज कंपेरेबिलिटी कंपेरेबिलिटी मीन्स जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो क्या होनी चाहिए कंपेयर करने के अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि अगर हमने इंटर इंटरफॉर्म कंपेरिजन या इंट्रा इंट्राफॉर्म कंपेरिजन करना है तो उसमें हेल्पफुल होनी चाहिए इंट्रा इंट्राफॉर्म कंपेरिजन मीन्स हमने क्या करना है एक फॉर्म का मतलब एक पीरियड का दूसरे पीरियड के साथ करना है सेम फॉर्म में और इंटर फॉर्म मीन्स हमने अपनी फॉर्म का किसी दूसरी फॉर्म के साथ क्या करना है कंपेरिजन करना है तो उसमें भी क्या है जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो हेल्पफुल होनी चाहिए ओके नाउ लेट अस डिस्कस यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन वी हैव टू टाइप्स ऑफ यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फर्स्ट वन इज इंटरनल यूजर्स सेकेंड वन इज एक्सटर्नल यूजर्स जो हमारे इंटरनल यूजर्स होते हैं वो कौन होते हैं जो बिजनेस में डायरेक्टली कंट्रोल जो बिजनेस को डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं और जो एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं वो क्या होते हैं जिनका बिजनेस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता बट वो क्या करते हैं इनडायरेक्ट वे से हमारे बिजनेस में क्या रखते हैं इंटरेस्ट रखते हैं ठीक है सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरनल यूजर इज ऑनर्स सेकेंड वन इज मैनेजमेंट एंड द थर्ड वन इज वर्कर्स और इंप्लॉयज इंप्लॉइज और वर्कर्स एक्सटर्नल यूजर है एक्सटर्नल यूजर में हमारे कौन कौन आ जाते हैं बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स क्रेडिटर्स गवर्नमेंट रिसर्चर्स कस्टमर्स ठीक है जो इंटरनल यूजर है उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है ओनर्स ओनर्स कौन होते हैं जो हमारे बिजनेस के अंदर क्या करते हैं कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं तो ये क्या इन्हें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए होती है किस लिए मतलब ये देखने के लिए कि हमारे बिजनेस में हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है ठीक है सो so, ये क्या करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं कहां से financial statements से फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओके सो द सेकंड पॉइंट इज मैनेजमेंट मैनेजमेंट कौन है जो हमारे बिजनेस में क्या करती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को मतलब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए इंटरेस्ट रखती है फॉर टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग ठीक है इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग किस किस चीज से रिलेटेड हो सकती है कि उसने अपने जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस क्या फिक्स करना है यानी कि सेलिंग प्राइस क्या फिक्स करना है ठीक है मतलब और क्या और भी कुछ कुछ आ, कोई ना कोई डिसीजंस हो सकते हैं जैसे मतलब प्रोडक्ट का प्राइस क्या फिक्स करना है ठीक है उसमें से मतलब प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा ठीक है ये सब डिसीजन लेने के लिए क्या करती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को गेन करती है कहां से फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो थर्ड पॉइंट है हमारा वो क्या है इंप्लॉयज और वर्कर्स जो वर्कर्स होते हैं ठीक है वो क्या करते हैं हमारे बिजनेस के अंदर काम करते हैं ठीक है तो उनका जो मेन मकसद क्या होता है कि हमें बोनस मिले ठीक है जो प्रॉफिट है अगर हमारे बिजनेस के अंदर साल के एंड में अगर प्रॉफिट होगा तो ये क्या होगा हो मतलब बोनस तभी हम दे पाएंगे ना अपने वर्कर्स को ठीक है तो सो ये क्या करते हैं इंटरेस्ट रखते हैं हमारे बिजनेस के अंदर मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं किस लिए कि, uh, कि, कि मतलब हमें बोनस मिले ठीक है और ये और क्या फॉर एग्जांपल जैसे इम्प्लॉई एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड होते हैं ठीक है ठीके? उनमें इनके अमाउंट डिपॉजिट हो रही है या नहीं हो रही ठीक है जो अदर स्कीम्स इंप्लॉइज के लिए लॉन्च हुई हैं और, और मतलब उनमें इनका पैसा डिपॉजिट हो रहा है या नहीं ठीक है so, सो ये क्या है इंटरनल यूजर्स हैं जो क्या करते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हेल्प से ओके और नेक्स्ट यूजर्स आर एक्सटर्नल यूजर्स ठीक है एक्सटर्नल यूजर में फर्स्ट पॉइंट है हमारा बैंकस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन है जो हमें क्या करते हैं एक बिजनेस है ठीक है बिजनेस के अंदर इतने सारे फंडस नहीं होते क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है जो ट्रांजेक्शन है वो इतनी ज्यादा हो जाती है ठीक है तो हमें क्या करना पड़ता है बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना पड़ता है ठीक है वो हमें लोन किस बेसिस पे देंगे हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे कि हमारा बिजनेस है वो इस इस लेवल पे है कि वो आगे मतलब इन फ्यूचर हमारा जो लोन है और विद इंटरेस्ट के साथ पे कर भी सकता है या नहीं कर सकता ठीक है सो नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट इज इन्वेस्टर्स और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स इन्वेस्टर्स कौन होते हैं जो हमारे बिजनेस के अंदर जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट करा हुआ है ठीक है और जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं पोटेंशियल इन्वेस्टर्स कौन जो हमारे बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट रख रहे हैं यानी कि उन्होंने अभी पैसा इन्वेस्ट नहीं किया वो करना चाहते हैं ठीक है वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे ये जानने के लिए कि जो हमारा बिजनेस है उसकी अर्निंग कैपेसिटी क्या है ठीक है भी हमें कल को मतलब उससे कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगी भी या नहीं मिलेगी ठीक है सो द नेक्स्ट पॉइंट इज क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स कौन होते हैं जिन्होंने हमारे बिजनेस के अंदर जो रॉ मटेरियल वगैरह हमने अगर उनसे मंगवाया तो उन्होंने हमें क्रेडिट पे दिया हुआ है ठीक है क्रेडिट पे अवेलेबल करवाया हुआ है एट दैट टाइम so, सो मतलब ये क्या करते हैं मतलब इंटरेस्ट रखते हैं हमारे बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वहां से लेते हैं कि हमें मतलब वो पे कर भी पाएंगे या नहीं ये बिजनेस इस पोजिशन पे है भी कि हमें पे कर भी पाएगा या नहीं सो द नेक्स्ट पॉइंट इज गवर्नमेंट गवर्नमेंट कैम गवर्नमेंट हमारे बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट किस लिए रखती है कि जो गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हुए हैं कि ठीक है अभी जीएसटी पे करना है या इनकम टैक्स पे करना है ठीक है वो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमारी मतलब जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो पे कर भी रही है या नहीं कर रही ठीक है थीके? तो क्या करती है गवर्नमेंट हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेकआउट करती है ओके सो और नेक्स्ट पॉइंट इज रिसर्चर्स रिसर्चर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वो क्यों लेना चाहते हैं अपने रिसर्च वर्क को कंप्लीट करने के लिए ओके okay? सो नेक्स्ट पॉइंट इज कस्टमर्स कस्टमर्स कौन होते हैं कस्टमर क्या है किंग मार्केट के ठीक है वो क्या करते हैं वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन या फाइने को क्यों गेन करना चाहते हैं ताकि वो क्या कर सके कि मार्केट में उनका ना हो ठीक है so, मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट है समटाइम गवर्नमेंट क्या करती है अपने जो कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं उनके क्या किए होते हैं प्राइस फिक्स किए होते हैं ठीक है कि जो एक सेलर है वो इससे ऊपर प्राइस में सेल नहीं कर सकता ठीक है तो कस्टमर्स इंफॉर्मेशन मार्केट के अंदर मतलब क्यों गेन करना चाहते हैं ताकि मार्केट में उनको एक्सप्लॉयटेशन ना हो ओके सो दिस इज द एंड ऑफ पार्ट थ्री इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहे थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन